प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने कक्षा 7 की विषय हिंदी की पाठ 1 वीणा वादिनी वरदे कविता लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम इसका वाचन करेंगे, अर्थ समझेंगे। देखेंगे बच्चों, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नग भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नवगति नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र रव, नव नव के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे। वीणा वादिनी वरदे। देखेंगे बच्चों इसका अर्थ, वरदे वीणा वादिनी वरदे। प्रिय बच्चों, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे वीणा वादिनी अर्थात सरस्वती से ये वरदान मांग रहे हैं कि वीणा वादिनी हे माँ सरस्वती, हम सबको आप ये वरदान दीजिए। क्या वरदान मांग रहे हैं? प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में फर दे, कि हे माँ सरस्वती, हमारे भारत में स्वतंत्रता की अमृत के समान मीठी ध्वनि को भर दे। पूरे भारत देश में स्वतंत्रता प्रदान करने वाली अमृत सी ध्वनि को भर दे, या अमृत मंत्र स्वतंत्रता का मंत्र भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर। कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे कि हमारे हृदय के सभी बंधनों को काट दो, अर्थात हमारे हृदय के सभी अज्ञानता को दूर कर दो। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, और हमारे हृदय में अज्ञानता के सागर को समाप्त करके आप प्रकाश के झरने को बहा दीजिए। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, हमारे हृदय से जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन सबको आप हर लीजिए और हमारे हृदय को प्रकाश से भर दीजिए। जगमग जग कर दे, और इस प्रकाश से पूरे संसार को, पूरे विश्व को प्रकाशमान कर दीजिए। आगे देखेंगे बच्चों, नव गति नवलय ताल छंद नव। नव गति नई गति प्रदान करें, नवलय हमें नई ध्वनि स्वर प्रदान करें, ताल छंद नव, और हमारी ताल छंद अर्थात जो हमारी कविता है, जो हमारे बोल हैं, उन सबको भी नवीनता प्रदान करें। नवल कंठ, हमारी ध्वनि भी नई हो जाए। नव जलद मंद रव, और हमारे हृदय में मेघ के समान गंभीरता उत्पन्न हो जाए, हमारे हृदय को इस प्रकार कर दीजिए। नव नव के बिहग, नव नव के नव बिहग वृंद को, और कह रहे हैं कि इस संसार के आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों को आप एक नया स्वर और नए पंख प्रदान कर दीजिए। हे वीणा वादिनी, आप हमें ऐसा वर दीजिए। इस प्रकार बच्चे हमारे सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में ये अर्थ है, बाकी चीजें आपको पीडीएफ में मिलेंगी।